अगर आप 12वीं पास हैं और चाहते हैं देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में जॉब करना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अर्ज़ खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिकस्टर। सो दोस्तों, एक और खास वैकेंसीज लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। दिल्ली जनरल बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। 760 वैकेंसीज टोटल रहने वाली हैं। 12वीं पास केवल इसमें योग्यता आपसे मांगी गई है। सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में इस वैकेंसीज के बारे में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिल्ली जनरल बोर्ड की तरफ से। इसमें कौन सी पोस्ट अवेलेबल है? जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट अवेलेबल है। देखिए, आपको अगर साफ विजिबल होगा, सो मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि ये आपको विजिबल रहे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, इसकी डिटेल में अगर मैं बात करूँ क्या क्या इसमें गिवन है इस नोटिफिकेशन में, सो ये 26 तारीख को अनाउंस किया गया था दोस्तों, नोटिफिकेशन 26 मार्च को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 760 वैकेंसीज इसमें यहाँ पर गिवन है। कौन सी पोस्ट अवेलेबल है? जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताऊँ, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल दे रहा हूँ छोटी छोटी, इसलिए तैयारी करना अभी से शुरू कर देना। मेल एंड फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली में ही होगी। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एज की मैं बात करूँ तो 18 से 25 साल इसमें एज मांगी गई है जनरल वालों के लिए, और रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए 3 साल का, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी गई है, और आपकी एक और अदर क्वालिफिकेशन है क्या? टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए या तो इंग्लिश की या फिर हिंदी की। इंग्लिश में कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी की टाइपिंग स्पीड करना टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है आपसे। क्लियर है? तो ये रही रिक्वायरमेंट्स। 85% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सीट फिल की जाएंगी यानी कि टेस्ट के थ्रू, और जो 10% होगी वो जो स्टाफ होते हैं ऑलरेडी, उन एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, उनके थ्रू ये सीट्स भरी जाती हैं, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है इलेक्शन के बाद जून से इसके रजिस्ट्रेशन दोस्तों शुरू हो जाएंगे। मैं अपडेट कर दूंगा सभी वैकेंसी को लेकर, यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएंगी। इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि कोई छोटी से छोटी डिटेल अपडेट जो भी आती हैं एकदम तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। सो ये थी डिटेल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों, झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है। इसलिए फटाफट से माइंड को प्रिपेयर कर लो इसके लिए, तैयारी करने के लिए। सो आज के इस वीडियो में इतने, ऐसी और एग्जामिनेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रिक्रूटमेंट लेकर। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।